सब्सक्राइब करें अंकित टेक एंड ब्लॉग को और इस बेल आइकन पे भी क्लिक करें और उसी साथ साथ में इस नोटिफिकेशन में जाके इसको ऑल पे क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो अंकित टेक एंड ब्लॉग के एक और नए वीडियो आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ नई ऑल्टो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नई वाली ऑल्टो, आपने सही सुना। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा और मैं आपको उसके बारे में एक जानकारी दूंगा कि उसमें क्या क्या डायमेंशन चेंज हुआ है, क्या क्या इंटीरियर में चेंज होगा और जो भी उसमें नया आने वाला है वो सब मैं आपको दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं फोटो अपनी स्क्रीन पे। तो देखिए आप इसमें आप देख सकते हैं कि नई वाली ऑल्टो पकड़ी गई है। जी हाँ दोस्तों, मतलब स्पॉट की गई है दिल्ली एनसीआर रीजन में। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट होते हुए। और जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये आपको एक मिनी एसयूवी के टाइप की लग रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि साइड से कि इसमें आपको बड़े टायर मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी चौड़े टायर। और उसी के साथ साथ में इसमें आपको जो इसका जो लुक है वो इग्निस के जैसा लग रहा है, छोटी वाली इग्निस इसको आप कह सकते हैं या तो आप इसको मिनी विटारा वैसा कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ साथ में आपको बता दें कि इसमें आपको 14 इंच के टायर मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आपको ABS, EBD, उसी के साथ साथ में रियर पार्किंग सेंसर, चाहे आप बेस वेरिएंट लें चाहे आप टॉप एंड वेरिएंट लें, सभी में आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ में इस गाड़ी में आपको क्रम्पल जोन भी मिल जाएगा, क्योंकि जो पुरानी वाली ऑल्टो थी उसमें देख सकते हैं आपके कितना कम उसमें जगह था। जी हाँ दोस्तों, उसके इंजन में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और उसी के साथ साथ में अगर हम बात करें इसके फ्रंट से, तो गाड़ी आपको और चौड़ी दिखाई देगी। और इसमें आपको उम्मीद लगाई जा रही है कि आपको DRL देखने को मिल जाएंगे, डे टाइम रनिंग LEDs। और उसी के साथ साथ में इसमें आपको अगर आप बूट स्पेस की बात करें तो आपको बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा, मतलब उतना बड़ा भी नहीं मिल जाएगा लेकिन हाँ, वैगनार का जैसे बड़ा है उससे कम ही मिलेगा। और उसी के साथ साथ में अगर हम और चेंजेस की बात करें इंटीरियर में, तो इसमें आपको वही हो सकता है कि 7 इंच का आपको इसमें भी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाए, जिसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट होगा। और अगर आपने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है कि जो डिसकंटिन्यू हो रही है ऑल्टो, तो ऊपर देखिए इधर आई बटन पे लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करके देख लीजिए वीडियो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दें कि इसमें आपको अब और बड़ा स्पेस मिल जाएगा, चाहे वो आपका हेड रूम हो या लेग रूम हो, जो भी। और साथ साथ में बूट स्पेस भी इसमें आपको अधिक मिल जाएगी। तो नई वाली ऑल्टो आ रही है, ये आपका वही हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जिसमें कि आपकी स्विफ्ट आती है, बलिनो आती है, और उसी के साथ साथ में इग्निस आती है और नई वाली वैगनार आती है। तो अगर ये गाड़ी इस पे बेस्ड है तो ये आपको पहले वाले के मुकाबले और हल्की देखने को मिलेगी। जी हाँ, यानी ये गाड़ी अब जितना उसका पहले का वेट था उससे अब हल्की हो जाएगी। पहले आपको दो ऑल्टो देखने को मिलती थी, ऑल्टो 800 और ऑल्टो 1000 CC की, यानी नॉर्मल ऑल्टो K10। तो आपको बता देंगे जो नई वाली ऑल्टो आने वाली है वो आपका 800 CC की नहीं रहेगी, परंतु ये 1000 CC की रहेगी। जी हाँ, और साथ में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च 2020 से, यानी मार्च 31, 2020 से BS4 गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी, यानी BS4 का रजिस्ट्रेशन होना बंद हो जाएगा, नई वाली BS4 का रजिस्ट्रेशन होना। तो ये जो गाड़ी आएगी इसमें हो सकता है कि आपको BS6 रेडी इंजन देखने को मिल जाए। जी हाँ, BS6 रेडीज में आपको इंजन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भी इसी तरह के अगर कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो देखिए नीचे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।